नगरीय निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी निवाड़ी के जिलाध्यक्ष अखिलेश सयाची ने पत्रकार वार्ता भाजपा जिला कार्यालय पर की। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड में भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास करें। लगभग 15 महीने से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और हमारी सरकार ने बेहतर परिणाम भी दिए हैं। जहां जहां नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के चुनाव है, वहां भाजपा सरकार ने पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता एवं विकास के लिए भरपूर प्रयास किया है। हमारी सरकार में हर घर जल, नाली निर्माण, सड़कों का निर्माण, आयुष्मान के माध्यम से निशुल्क इलाज के, स्वच्छता अभियान के तहत नगरों की सफाई कराई जाती है। जिले में हमारी सरकार द्वारा फिल्टर वाटर सेट एवं स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। ओरछा प्रतिपुर रोड पर जामनी एवं बेतवा नदी के पुलों का निर्माण कराया जा रहा है, जो इसी वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। प्रत्येक नगर परिषद में दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष अखिलेश सयाची के साथ जिला महामंत्री मुकेश दांगी, खेल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी अमन व्यास, उत्कर्ष वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। निवाड़ी से राजीव गुप्ता के साथ ऋषि खेवरिया की रिपोर्ट। आज ये पत्रकार वार्ता निवाड़ी जिले में नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के विषय में आयोजित की गई है और निश्चित रूप से हमें और गौरव करने की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हम नगर परिषद में जिले की पांचों नगर परिषद 75 वार्ड हैं, उनमें सब में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होने के बाद पार्टी के हमारे प्रत्याशी और कार्यकर्ता सब आम लोगों के घरों में, वार्डों में चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े। और पिछले वर्षों से लगातार 16 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, डेढ़ वर्ष को छोड़ के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, और इन वर्षों में हर नगरीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, जहाँ हमारी नगर पालिकाएँ, नगर परिषद और नगर निगम रहे हैं और अच्छा काम किया है, चाहे नगरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो। निवाड़ी नगर में भी हमारी सरकार ने स्वच्छ पेयजल की, जल नल की योजना को ला करके निवाड़ी के नगर समेत ओरछा, पृथ्वीपुर, जीरोन और तरीचर, इन सभी पांचों जगहों पर स्वच्छ जल और हर घर जल नल के साथ प्रबंध किया है। हर नगरीय क्षेत्र में वार्डों में नाली निर्माण, सड़क निर्माण से लेकर के हमारी सरकार ने हर वार्ड में, हर नगरीय क्षेत्र में जन औषधि केंद्र, आयुष्मान, आप लोगों ने शायद देखा हो या ना देखा हो, उन्होंने एक पत्र यहाँ से जारी हुआ था पार्टी की तरफ से कि 22 तारीख को जिन्होंने पार्टी के जिस दिन फार्म वापसी का समय 3 बजे के पहले जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं लिया, वो स्वतः ही पार्टी से, उनको एक साथ 3 बजे के बाद पार्टी से उनका निष्कासन हो गया। ये माननीय अध्यक्ष जी का वहाँ से पत्र है जो हमको भी मेल पर आया है। तो एक कार्रवाई तो उनकी हो गई है, दूसरी कार्रवाई यहाँ से गई है जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं लिए है, तो वो चूँकि ये काम प्रदेश का होता है, हम लोग यहाँ से ये बार बता देते हैं कि इस वार्ड में ये हमारा घोषित प्रत्याशी है और इनके खिलाफ में ये पार्टी के लोगों ने वापस नहीं लिया, ये लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी हो, निवाड़ी में कितने हैं? अब निवाड़ी में तो सूची है, मेरे भेजी हुई है, उसमें आएंगे लोग होंगे तो अभी एक दो दिन में कार्रवाई के रूप में आएंगे, उनका डिस्कशन होगा, हम आपको भी देंगे कॉपी। किसी कारणवश अगर वो जीत के आते हैं परिषद में और आपको जरूरत पड़ती है अध्यक्ष बनाने के लिए, तो आपको उनको भाजपा में लेंगे? पहले तो ये विषय ही नहीं है, पहले तो हमारा विषय है कि हम 15 में 15 जीते और जीत के आएंगे, हम ये मान के क्यों चले। इसमें देखिए, राजनीति में ये होता ही नहीं, किंतु परंतु नहीं होता। हमारा लक्ष्य, हमने अपने 15 क्यों चुने हैं, हमने 15 इसलिए थोड़ी चुने हैं कि हमारा कोई परिणाम यहाँ से वहाँ होगा, नहीं होगा, हम 15 ही जीत के आएंगे।